लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। आशीर्वाद चैम्बर सिविल कोर्ट वाराणसी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिवक्ता प्रीमियर लीग T10 क्रिकेट प्रतियोगिता -2020 का आयोजन बड़ालालपुर चांदमारी स्थित BBCA स्टेडियम में किया गया। सर्वप्रथम उद्घाटक अतिथि पदुम पांडेय ग्राम प्रधान एरे ने पूजा अर्चन करने के पश्चात खिलाड़ियों से अवगत हुए एवं कमेटी के महासचिव कमलेश सिंह कुशवाहा अधिवक्ता दबारा उनका माल्यार्पण एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया। मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार चतुर्वेदी जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी। प्रशांत जी, यहाँ पर किस प्रकार के ये प्रतियोगिता हो रहा है, क्या बताना चाहते हैं आप? ये हमारे कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित आशीर्वाद चैम्बर द्वारा आयोजित श्री आशीर्वाद चैम्बर ट्रस्ट, जिसमें मैं विधि एवं मीडिया प्रभारी के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ, और ये अधिवक्ताओं के द्वारा अधिवक्ताओं से मैच हो रहा है। ये BBCA एकेडमी ग्राम एढ़े द्वारा यहाँ मैच हो रहा है, और ये विगत वर्षों में भी मैच हुआ था, इस बार भी हुआ है मैच। इसमें क्राइटेरिया यही है और हम लोग का ये उद्देश्य है कि अधिवक्ता स्वस्थ रहें। कुछ अधिवक्ताओं का, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पेशा तनावपूर्ण और जिम्मेदाराना रहता है, तो मैंने उससे कुछ हट के एक मुहिम निकाला कि उससे थोड़ा सा ये अपना मनोरंजन भी कर सकें और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको लाभ प्रदान। आज के दौरान जो ये कोरोना के लेकर चल रहा है, उस पर भी आप कोरोना के लिए फायदेमंद है? सर, कोरोना के लिए तो कोरोना तो है ही, इस कोरोना को हम लोग देखते हैं कि मास्क सैनिटाइजिंग की व्यवस्था किए हैं, दूरी बना कर रखे हैं, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी दर्शक आ सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग तिथियों में अलग अलग यहाँ पे दर्शकों एवं यहाँ पे सम्मानित यहाँ पर अतिथियों को बुलाया गया है। फिजिकल के तौर पे कोरोना के लिए लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों का जो आंतरिक जो रहती है, जिसको मैं ग्राम प्रधान पदुम पांडे BBCA एकेडमी के संरक्षक हूँ, मैं भी हूँ, और इसके कोच हैं हमारे आशीष देव जी और अमित सर जी हैं, तो दोनों लोग बड़े अच्छे ही कोच हैं। और इन लोगों का भी प्लान है कि हम अपनी BBCA से इंटरनेशनल प्लेयर निकालूं, और आशीर्वाद चैम्बर द्वारा जो मुहैया चलाई जा रही है विगत कई वर्षों से, इस बहुत ही अच्छा लगा, इनका प्लानिंग बहुत बढ़िया लगा हमको, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर के और इंटरनेशनल गेम के बीच में होता है। तो आज देखने के बाद से हमको एक और लगी बात ही कि इनसे बैठ के मैं बात करूंगा कि इसको जो हम अपने जिला सत्र के आधार पर देख रहे हैं, इसको मंडल और हम प्रदेश लेवल पे भी बार एसोसिएशन से मिलके इसको प्रदेश स्तर पे कराया जाए। क्यों? इससे क्या है कि प्रतिभाएं निकल के सामने आएंगी, अच्छी से अच्छी प्रतिभाएं आएंगी, और फिजिकल बड़े अच्छे रहेंगे वकील साहब लोग, क्योंकि ये लोग वर्क इतना अधिक करते हैं कि व्यस्त उसी में रहते हैं, अगर बीच में थोड़ा समय निकाले तो इनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी इनका, और क्या कहते हैं, साथ में इनको इम्यूनिटी पावर, बहुत से सारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि वहीं से मुझको अच्छा प्लेयर भी मिलने लगे अपने देश के लिए भी। तो ऐसा हम लोग का प्लान है, और BBCA का ऐसा प्लान है कि हर बार ऐसा हम लोग करेंगे। अभी यही नहीं, अब सोच रहे हम लोग कि प्रेस, आप लोगों का भी एक प्रेस मीडिया से भी लोगों का हम लोग स्वयं मैच कराएं, जिसके प्रति मैं एडवोकेट सुशील कुमार विश्वकर्मा। यहाँ पर किस प्रकार की ये प्रतियोगिता क्या है? अधिवक्ताओं का क्रिकेट मैच हो रहा है, जिसमें सिर्फ अधिवक्ता ही पार्टिसिपेट करेंगे, अदर कोई नहीं करेगा। ये कब से स्टार्ट है? ये आज इसका शुभारंभ हुआ है। अच्छा। और इसका शुभारंभ एढ़े ग्राम के प्रधान जी श्री पदुम पांडे जी ने किया है, और ये 6 दिसंबर तक चलेगा ये मैच, राजेश कुमार वाला लिस्ट। और इस बीच सिर्फ अधिवक्ताओं का ही मैच होगा, और ये पूरी तरह से एक तरह समझ लीजिए कि ये मैच नहीं, एक तरह अधिवक्ता फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, उसको भी मद्देनजर। कितने संख्या में लोग होंगे यहाँ पर आपके यहाँ जुड़े हुए? काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और मैच का पूरा लुत्फ उठाए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी लोग और बढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। ये किस जगह पर हो रहा है? चलिए सर, मैं एडवोकेट लाल बहादुर शाह है, प्रधान ग्राम खारिजपुर। यहाँ पर जो प्रतियोगिता चल रहा है, इस बारे में क्या बताना चाहते हैं कुछ? ये आशीर्वाद ट्रस्ट के सौजन्य से चल रहा है, और यहाँ अधिवक्ताओं का क्रिकेट हो रहा है, अधिवक्ता भाई ही भाग।